हेलो एवरीवन। तो आज हम प्लम केक बनाएंगे। बहुत सॉफ्ट और यमी प्लम केक बनता है और इसे बनाना बहुत ही आसान है। और ये इंस्टेंट प्लम केक है और एगलेस है, और इसे हम कुकर में ही बनाएंगे। तो चलिए इसे हम कैसे बनाते हैं देखते हैं। तो ये मैंने कुछ ड्राई फ्रूट्स ले लिए हैं, आपके पास जो ड्राई फ्रूट्स हो वो ले सकते हैं। अब मैंने क्या किया, एक पैन में जो है 1/4 कप शुगर लिया है। इस शुगर को हम कैरमलाइज कर लेंगे। शुगर डालने के बाद आप कुछ देर शुगर को छोड़ दे चलाएना। थोड़ी देर के बाद क्या होगा कि शुगर जो है अपने आप कलर चेंज कर देगा, तो इस तरह से ब्राउन कलर में आ जाएगा। जब ब्राउन कलर आ जाए तो थोड़ी देर उसे 2 मिनट और चलाएं, तो आपका शुगर जो है कैरमलाइज हो जाएगा। उसके बाद क्या करें, जितने भी ड्राई फ्रूट्स हैं वो आप सारे डाल दें। आपके पास जो भी ड्राई फ्रूट्स हो वो डाल सकते हो। अगर ड्राई फ्रूट्स ना हो तो बिना ड्राई फ्रूट्स के भी आप प्लम केक बना सकते हैं। मेरे पास कुछ टूटी फ्रूटी भी थे, मैंने वो भी डाल दिया है। और इसे हम अच्छी तरह से शुगर में मिला लेंगे। देखिए इस तरह से अच्छी तरह से आप इसे मिला लें, जैसे मैं मिला रही हूँ। जब ये अच्छी तरह शुगर में ऐड हो जाए, क्योंकि शुगर थोड़ा हार्ड हो जाता है इस पोजीशन पे, तो आप तो इसे अच्छी तरह से चला चला के गैस पे ही मिलाएं। गर्म रहेगा तो मिलाने में ज़्यादा इजी रहेगा। उसके बाद आप क्या करें कि ऑरेंज जूस ले लें। मैंने दो ऑरेंज यूज़ किया है। मैंने दो ऑरेंज को जो है घर में ही उसको मिक्सी ग्राइंडर में पीस के जो है जूस बना लिया था। और वो मेरा ये 1 कप है, 1 कप हुआ था दो ऑरेंज जूस, मतलब दो ऑरेंज का जूस मैंने बनाया है, तो 1 कप रेडी हो गया है। तो इसे हम जो है इसमें ऐड कर देंगे और इसे अच्छी तरह से मिलाएंगे और इसे बॉईल होने देंगे। जब ये अच्छी तरह बॉईल हो जाए, तो बॉईल होने के बाद क्या होगा कि सारे ड्राई फ्रूट्स जो हैं वो ऑरेंज जूस को सोक कर लेंगे और उसे जो है उसमें सारे फ्लेवर ऐड हो जाएंगे ऑरेंज जूस के। तो उसके बाद क्या करें, थोड़ी देर इसे छोड़ दें आप ठंडे होने के लिए। बॉईल होने के बाद आप इसे आधे घंटे के लिए छोड़ दें ताकि ये ठंडा हो जाए। जब ये ठंडा हो जाए तो फिर हम इसे एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लेंगे। देखिए सारे मैंने एक बॉल में ट्रांसफ़र कर लिए हैं। उसके बाद इसमें हम 1.5 कप जो है शुगर ऐड करेंगे। ये शुगर पाउडर है, नॉर्मल नॉर्मल जो चीनी होता है उसी को मैंने मिक्सी ग्राइंडर में पीस के पाउडर बना लिया था। और उसमें हम इसे ऐड करके अच्छी तरह मिला लेंगे ताकि शुगर अच्छी तरह इसमें मेल्ट हो जाए। उसके बाद हम 1/4 कप जो है इसमें ऐड करेंगे ऑयल। ये रिफाइंड ऑयल है, कोई फ्लेवर वाला ऑयल आप ना यूज़ करें। तो ये अनफ्लेवर्ड ऑयल है, जो हम लोग घर में रिफाइंड ऑयल यूज़ करते हैं वही है। उसके बाद फिर हम इसे अच्छी तरह से मिला लेंगे ताकि शुगर और ऑयल और जो हमारा मिक्सचर वो सब मिक्स होके एक हो जाए। तो इस तरह से मैंने मिक्स कर लिया है, देखिए। अब हम इसमें ऐड करेंगे मैदा। देखिए हम मैदा को छान के ऐड करेंगे। तो इस तरह से मैंने एक छन्नी ले लिया है और उसमें हम 1 कप मैदा लेंगे। देखिए इस तरह से मैंने भर के 1 कप मैदा लिया है। उसके बाद हम 1 टीस्पून जो है मिल्क पाउडर ऐड करेंगे और उसी टीस्पून से हम 1 टीस्पून कोको पाउडर भी ऐड करेंगे। और थोड़ा सा हम इसमें, यह हमारा जिंजर पाउडर है इसे हम ऐड करेंगे, और ये हमारा दालचीनी और लौंग का पाउडर है वो भी हम थोड़ा सा ऐड करेंगे। और सभी को अच्छी तरह अब छान लें। देखिए इस तरह सब सारे, क्योंकि जो बड़े बड़े जो इसमें क्या होते हैं कि कुछ जो है बड़े बड़े पार्टिकल्स भी होते हैं वो मिक्स ना हो जाए, इसलिए हम सभी को अच्छी तरह छान लेते हैं। अब उसके बाद हम सभी को मिला लेंगे, अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे। तो ये हमारे ड्राई इंग्रेडिएंट हो गए हैं। इन सभी को हम अच्छी तरह मिक्स कर लेंगे, सभी को अच्छे से मिक्स कर लेंगे। देखिए ऐसे, ये थोड़ा सा जो है गाढ़ा लग रहा है मुझे, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी, लेकिन पहले जो अभी मैं इसे अच्छी तरह मिला लूँगी उसके बाद ही। तो इस तरह से हम मिला लेंगे सबको अच्छी तरह से, ताकि सब एक दूसरे में अच्छी तरह से मिक्स हो जाएं। तो ये मैंने मिला लिया है,
मुझे लग रहा है कि इसमें थोड़ा सा गाढ़ा है, तो मैं इसमें थोड़ा सा दूध ऐड करूँगी। अब थोड़ा थोड़ा दूध ऐड करें, क्योंकि ज़्यादा पतला बैटर भी नहीं बनना चाहिए, गाढ़ा ही होगा लेकिन इतना भी गाढ़ा नहीं कि वो फिर जो है आपको केक टिन में ट्रांसफ़र करने में भी दिक्कत हो। तो थोड़ा सा आप गाढ़ा रखें इसे, लेकिन ज़्यादा पतला भी ना करें। तो इसलिए मैं थोड़ा थोड़ा करके दूध ऐड करती हूँ। अब हम क्या करेंगे, अपने जो केक टिन है उसे रेडी कर लेंगे। तो मैं यहाँ बटर पेपर का यूज़ नहीं कर रही हूँ, मैं ऑयल से ग्रीस कर रही हूँ। तो थोड़ा सा ऑयल डाल के आप चारों तरफ जो है इसे लगा लें। और उसके बाद क्या करें, थोड़ा सा आप इसमें मैदा डाल के जो है उस मैदे को चारों तरफ से स्प्रेड कर दें, ताकि वो ऑयल में जो है अच्छी तरह स्टिक हो जाए। देखिए हमारा केक टिन रेडी होगी। अब लास्ट में हम करेंगे कि इसमें हाफ टी स्पून जो है बेकिंग पाउडर डालेंगे और हाफ टी स्पून जो है बेकिंग सोडा डालेंगे। उसके बाद क्या करेंगे, इसी समय इसमें थोड़ा सा दूध ऐड कर देंगे, और उस ताकि ये दोनों जो है बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा जो है एक्टिवेट हो जाए। और इसे फिर हम अच्छी तरह से बेकिंग पाउडर और बेकिंग सोडा को जो है मिक्सचर में मिक्स कर लेंगे बिल्कुल अच्छी तरह से, ऐसा ना कि कहीं रह जाए। तो हम इसे बिल्कुल अच्छी तरह से मिक्स कर लेंगे। तो जैसे जैसे आप मिक्स कीजिएगा तो देखिएगा कि कलर इसका चेंज हो जाता है। और ऐसा ना कि आप ज़्यादा ही मिक्स कर लो, ओवर मिक्सिंग भी नहीं करनी है यहाँ पे हमें। तो उस थोड़ा सा मुझे और बेटर गाढ़ा लग रहा था, तो मैंने थोड़ा सा और दूध डाल दिया। तो आप अपने अंदाज़ से जो है थोड़ा थोड़ा करके ही दूध डालना, एक बार में मत डालना, नहीं तो वो बैटर पतला हो जाएगा। तो मैंने यहाँ सब बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा भी ऐड कर दिया है। अब हम तुरंत इसे जो है केक टिन में ट्रांसफ़र कर देंगे, क्योंकि बेकिंग पाउडर बेकिंग सोडा डालने के बाद ज़्यादा देर आप इसे ना रखें। और मैंने कुकर में जो है पहले ही कुकर प्री हीट करने के लिए रख दिया था। प्री हीट मतलब कि आप 10 मिनट पहले ही कुकर को गैस पे मीडियम फ्लेम पे डाल के रख दे बंद करके इस तरह से। और उसमें मैंने नमक डाला है, ये नमक मैंने बहुत बार यूज़ किया हुआ है इसलिए कलर इसका चेंज हो गया है। तो इसमें मैंने एक स्टैंड डाल दिया, आपके पास स्टैंड ना हो तो कोई प्लेट डाल सकते हैं, कटोरा डाल सकते हैं। तो देखिए मैं तो 20 मिनट के बाद इसे खोल के जो है उस पर कुछ ड्राई फ्रूट्स डाल दूंगी, ताकि वो देखने में और भी सुंदर हो। जब आप मिक्सचर में ड्राई फ्रूट्स ऐड करते हो तो क्या होता है कि वो नीचे बीच में चला जाता है, ऊपर आपका नहीं दिखता है, तो इसलिए आप ऊपर से भी थोड़ा डाल दें। अब देखिए 40 मिनट्स के लिए मैंने इसे बेक किया, और मैं चेक करती हूँ 40 मिनट्स के बाद, तो ये हमारा केक बेक हो चुका है। तो 40 मिनट्स के लिए आपको मीडियम फ्लेम पर केक को बेक करना होगा। तो ये हमारा केक रेडी हो गया है। अब देखिए कितना सुंदर लग रहा है। तो जो मैंने ऊपर से ड्राई फ्रूट्स डाले थे 20 मिनट्स के बाद, देखिए कितने उभर के आ रहे हैं। अब हम इसे ट्रांसफ़र करेंगे, तो इसे चाकू से भी अब साइड निकालने की ज़रूरत नहीं है, आप डायरेक्ट ट्रांसफ़र करोगे वो निकल जाएगा। देखिए मैंने किया है, और ये अभी गर्म है तो थोड़ा सा आप ठंडा होने दें। तो मैं आपको गर्म ही दिखा रही हूँ, देखिए कितना सॉफ्ट और यमी लग रहा है, देखने से कितना खूबसूरत लग रहा है, और कलर भी बहुत अच्छा है। अब मैं इसे आपको काट के दिखाती हूँ कि ये अंदर से कितना स्पंजी बना है। तो आप इसे ज़रूर ट्राई करें, और इससे रिलेटेड अगर आपके पास कोई क्वेश्चन हो तो आप कमेंट में ज़रूर पूछें, मैं उसका रिप्लाई करूँगी। तो ये बहुत ही सॉफ्ट और यमी बनता है, आप इसे घर में ज़रूर ट्राई करें। और आपको ये रेसिपी कैसी लगी हमें बताएं। देखिए कितना सॉफ्ट और स्पंजी दिख रहा है। लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब करें। थैंक यू।